Hi friends, welcome to the desk Deva English Spoken Classes. Friends, आपने सुना तो होगा every words के बारे में. तो every क्या है? Every means क्या? Every means होता है प्रत्येक, हर एक या सब. लेकिन every से कितने तरह के sentences हम बना सकते हैं, every से कितने सारे words बनते हैं, तो आज हम यही जानेंगे और यही सीखेंगे. ठीक है friend? तो let's start the class of the day. फ्रेंड्स, एवरी का मतलब तो आप पता ही, आपको एवरी मतलब प्रत्येक या हर एक या सब भी बोलते हैं. तो एवरी से कितने तरह के वर्ड्स बनते हैं, एवरी से शुरू होने वाले कितने सारे वर्ड्स हैं और उनसे हम किस तरह से सेंटेंसेस बनाते हैं या बना सकते हैं, यही हम सीखेंगे. ठीक है फ्रेंड्स, जैसे हम एक सेंटेंस लेते हैं कि सभी लोग तैयार हैं, तो एवरीबॉडी इज रेडी. हम इसको एवरी वन भी बोल सकते हैं. एवरी से कौन कौन सा शब्द बनता है? एवरी वन, एवरीबॉडी, एवरी थिंग, एवरी डे, ये सारे शब्द बनते हैं एवरी से. अब अगर हम किसी सेंटेंस में नाउन की बात करते हैं, साथ में एवरी के साथ किसी नाउन का बात होता है, जैसे कि प्रत्येक आदमी तैयार है, तो एवरी मैन इज रेडी, या इच मैन इज रेडी भी बोल सकते हैं हम, और एवरी मैन इज रेडी भी बोल सकते हैं. लेकिन हम सिर्फ एवरी के साथ बनने वाले जो शब्द हैं उस पर हम चर्चा कर रहे हैं, तो वो कैसा होगा? जैसे एवरी वन यानी प्रत्येक तैयार है, हर एक तैयार है, तो एवरी वन या एवरी बॉडी इज रेडी. ठीक है, सब कुछ ठीक है, तो सब कुछ मतलब एवरी थिंग इज फाइन. ठीक है फ्रेंड्स, तो Everything, every day, everybody, everyone, ये सब सारे शब्द हैं. इनसे हम एक एक करके कुछ सेंटेंसेस के द्वारा जानेंगे और सीखेंगे कि इनका इस्तेमाल हम किस तरीके से करते हैं. ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं. फ्रेंड्स, एवरी का मतलब होता है प्रत्येक या हर एक. अभी हम वैसे शब्दों को देखेंगे जो एवरी से शुरू होता है. ठीक है फ्रेंड, तो सबसे पहले एवरी वन एंड एवरीबॉडी, दोनों का ही मतलब होता है सभी लोग. ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए हम एक एक करके सेंटेंसेस शुरू करते हैं. एवरीवन या एवरीबॉडी इज माय फ्रेंड, सभी लोग मेरे दोस्त हैं. एवरीवन या एवरीबॉडी कैन हेल्प हिम, सभी लोग उसकी मदद कर सकते हैं. एवरीवन या एवरीबॉडी मस्ट लर्न इंग्लिश, सभी लोगों को अंग्रेजी ज़रूर सीखनी चाहिए. एवरीवन या एवरीबॉडी इज रेडी टू प्ले, सभी लोग खेलने के लिए तैयार है. गुड बाय एवरीबॉडी, लेट्स मीट नेक्स्ट वीक, अच्छा तो चलता हूँ, अगले हफ्ते मिलते हैं. एवरीवन या एवरीबॉडी हैज मनी, सभी लोगों के पास पैसे हैं. अभी एवरीवेयर, एवरीवेयर का मतलब होता है सभी जगह, हर जगह. तो गॉड इज एवरीवेयर, ईश्वर सर्वत्र है, मतलब ईश्वर सभी जगहों पर है. देयर इज वाटर एवरीवेयर, सभी जगहों पर पानी है, या हर जगह पानी है. देयर इज ट्री एवरीवेयर, हर जगह पेड़ है. एवरीथिंग, एवरीथिंग का मतलब होता है सब कुछ, हर चीज. तो एवरीथिंग इज माइन, सब कुछ मेरा है. Everything is yours, सब कुछ तुम्हारा है. Everything is available here, यहाँ सब कुछ मिलता है. अभी every, वैसे sentence जिसमें कहीं ना कहीं every शब्द आया है. ठीक है friends, तो चलिए हम वैसे sentences देखते हैं अभी.
ही कम्स हियर एवरी संडे, वो यहाँ हर रविवार को आता है। एवरी सेंटेंस इन हीज लेटर हैड मिस्टेक, उसके पत्र में हर वाक्य में गलती थी। वी मीट ईच अदर एवरी अदर संडे, हम एक दूसरे से हर दूसरे रविवार को मिलते हैं। आई गो टू द जिम एवरी थर्ड डे, मैं हर तीसरे दिन जिम जाता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से एवरी से बनने वाले शब्द के बारे में समझ में आ गया होगा और आप सेंटेंसेस के द्वारा ये भी समझ गए होंगे कि किस तरह से इसका सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, और जाते जाते मैं आप लोग से गुजारिश करना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लो यार, और बाजू वाला बेल आइकन भी क्लिक कर दो ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स, थैंक्स अ लॉट एंड धन्यवाद।